हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। आज जो हमारा यूपी सुपर टेट का एग्ज़ाम था उसमें जो हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमें मिले, तो वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? इसका आंसर है क्रिया। जो कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण जो जानता है के लिए जो वाक्यांश है, ये व्याकरण जो जानता है के लिए एक शब्द है। इसका आंसर है व्याकरण। अगला क्वेश्चन है, महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। इसका आंसर महत्व। महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से महत्व शब्द बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसका आंसर है सुमित्रा नंदन पंत को। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सुमित्रा नंदन पंत को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? इसका आंसर है बीज बपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? इसका आंसर है खुलकर। जो ऑप्शन में था वो था खुलकर। छलने की कला का हम खुलकर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? इसका आंसर है पाखंड और दिखावे को। हमने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती शब्द का पर्याय नहीं है। इसका आंसर है जाह्नवी। सरस्वती शब्द का पर्याय जाह्नवी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रथम शब्द संज्ञावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? इसका आंसर है द्विगु समास। जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन है, महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? इसका आंसर है खा ऊ छा था फा। महाप्राण व्यंजन हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हम तू तुम आदि शब्द हैं? इसका आंसर है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो ऑप्शन दिया गया था उसमें था पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं हम तू तुम ये शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग से है? इसका आंसर है विशेषण से। बुद्धिमान शब्द जो है वो विशेषण संवर्ग से है। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है? इसका आंसर कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजक चिन्ह कौन सा है? जो ऑप्शन में दिया गया था वो ये था, योजक चिन्ह ये होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज गुरुजी एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, इससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट्स तुरंत मिल जाएंगी। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? इसका आंसर है क्रिया। जो कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण जो जानता है के लिए जो वाक्यांश है, ये व्याकरण जो जानता है के लिए एक शब्द है। इसका आंसर है व्याकरण। अगला क्वेश्चन है, महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। इसका आंसर महत्व। महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से महत्व शब्द बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसका आंसर है सुमित्रा नंदन पंत को। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सुमित्रा नंदन पंत को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? इसका आंसर है बीज बपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? इसका आंसर है खुलकर। जो ऑप्शन में था वो था खुलकर। छलने की कला का हम खुलकर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? इसका आंसर है पाखंड और दिखावे को।
हमने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती शब्द का पर्याय नहीं है। इसका आंसर है जाह्नवी। सरस्वती शब्द का पर्याय जाह्नवी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रथम शब्द संज्ञावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। इसका आंसर है द्विगु समास। जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन है, महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। इसका आंसर है खा ऊ छा था फा। महाप्राण व्यंजन हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हम तू तुम आदि शब्द हैं। इसका आंसर है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो ऑप्शन दिया गया था उसमें था पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं हम तू तुम ये शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग से है। इसका आंसर है विशेषण से। बुद्धिमान शब्द जो है वो विशेषण संवर्ग से है। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है। इसका आंसर कवित्री, कवि का स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजक चिन्ह कौन सा है। जो ऑप्शन में दिया गया था वो ये था, योजक चिन्ह ये होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज गुरुजी एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। इससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट्स तुरंत मिल जाएंगी। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।